तो वेलकम बैक अनदर एपिसोड ऑफ गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक। तो पिछले वाले एपिसोड में दिखा होगा ब्रॉक को ओडिन ने मार दिया था, उसके बाद हमने रैग्नारोक को जिंदा किया था। अभी कंफर्म नहीं है कि जिंदा हो चुका है यानी बना है नहीं बना वो बंदा रैग्नारोक, और उसके बाद जो अब वार होने वाली है, बोले तो वॉर होने वाली है, उसके अंदर वो हमारी मदद करेगा या नहीं करेगा। वैसे तो कोशिश यही है कि मदद करेगा, बन जाए वो रैग्नारोक के अंदर बदल चुका है वैसे तो, क्योंकि हार्ड के उसके अंदर जो हमने पावर दी थी ना क्रिटोस की एक्स सॉरी शॉर्ट की, बाद वो रैग्नारोक में बदल चुका है भाई, पूरा कन्फर्म बात है मेरी। ओके तो हमें वापस जाना है सेंट्री के हाउस, क्योंकि सारे सारे बंदे वहीं मिलेंगे हमें, जिसको काम मिला था सेना इकट्ठी करने का। तो देखते हैं किसने कितना काम कर चुके हैं, क्या सेना इकट्ठी हुई है नहीं हुई है वॉर के लिए हमारी, नहीं तो ओडिन के हाथ पीटना तो बनता है। ओके तो चलते हैं सीधा सिंदरी के हाउस, क्योंकि वही है सारे के सारे बंदे, फ्रेया उसका भाई और सिंदरी, बाकी सब जो मेंबर्स हैं हमारे जो वॉर में साथ देंगे वो सारे के सारे वहीं मिलेंगे। ओके फाइनली स्नो में आ चुके हैं फिर से, और हमारी गाड़ी अभी भी यही है जहां हम छोड़ के गए थे। देख रहे हो यही होते हैं वफादार वॉल्फ। ओके ये डॉग नहीं है, वॉल्फ है भाई, जो भी इसके साथ दे रही, और काफी ज्यादा स्पीड होती है भाई इसमें, काफी ज्यादा स्पीड है वैसे भी। ओके क्या लगता है तुम्हें, क्रीटोस और गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक में क्रीटोस वर्सेस थोर होने वाला, तो कौन जीतेगा? ओडिन तो मेरे हिसाब से पीटेगा थोर के हाथ से, बहुत गंदा वाला सॉरी क्रीटोस के हाथ से, लेकिन थोर की टक्कर जब गॉड ऑफ वॉर के क्रीटोस से होगी तो क्या होगा? इसी एपिसोड में देखते हैं होगा नहीं होगी फाइट, क्योंकि भाई मेरे ओके ये क्या भाई खतरनाक, मेरे हिसाब से होगी फाइट तो इसी के एपिसोड के अंदर, लेकिन काफी ज्यादा लंबा होगा तो दो एपिसोड कंफर्म बनेंगे इसके। फाइनली फाइनली सुंदरी के हाउस पहुंच चुके हैं, और हमें यहाँ से लिफ्ट के द्वारा, हिंदी में बोले तो लिफ्ट के द्वारा जाना पड़ेगा। ओके intending to undermine Ares and protect her. Finally Kratos aur Atreus pahunch chuke hain Sindri ke house. Kratos keh raha hai Atreus se ke bhai ab to sare bande aa hi gaye honge apni apni sena ko ke leke sorry leke nahi confirm karke ke sena ban chuki hai nahi ban chuki hai. When all the realm towers open at once you'll see plenty lad. Odin won't believe. Aur uske baad hamare paas हैंडल का वो भी तो है, शंख वो जो होता है भोंपू टाइप का बजाने का हॉर्न, हॉर्न वो उसके बाद सारे के सारे दरवाजे खुल जाएंगे वॉर के, जो सिर्फ क्रीटोस खोल सकता है। ओके ये क्या चल रहा है, सारे बंदे हैं तो सही है था। वाओ वैल्कीरीज लुक डिफरेंट, वेलकम बैक। ओके फ्रेया को पता चल गया कि रैग्नारोक हो चुका है, इसलिए वेलकम कर रही है, वेलकम क्रीटोस। मुझे पता है रैग्नारोक जाग चुका है। ओके तो शायद यहाँ टेंट वेंट लग रहे हैं, थोड़ी बहुत देर हमें आराम करना होगा, उसके बाद वॉर के लिए निकलना होगा, क्योंकि आज वॉर होगी पक्की होगी, क्योंकि क्रीटोस के ऊपर ना ओडिन ने हमले करवाए थे जब आप देख सकते हो तो हम हेल में थे। ओके तो बहुत सारे देख सकते हो तो ये मेंबर्स आ चुके हैं हमारे, जिनकी सेना हमारे साथ फाइट करेगी, ये आसमान से फाइट करेंगे उड़ने वाले, और हम धरती पर रह गए। तो फिर कह रही है थोड़ी बहुत देर आराम कर लो, उसके बाद वॉर की बातें करेंगे। ओके तो अलग टेंट दिया है क्रीटोस को आराम करने के लिए, और क्रीटोस अपनी सॉर्ड भाई क्या है भाई, ये देख रहे हो क्या खतरनाक है सॉर्ड इसकी। अब तो मेरे हिसाब से भाई गॉड ऑफ वार के हिसाब से छोटी कर दी है, नहीं गॉड ऑफ वार में बहुत ज़्यादा तगड़ी थी जो शुरुआत में था। ओके भाई देख रहे हो क्या चमक रही है भाई एक सॉर्ड, और ये रहा हॉर्न जो हमने हैंडाल से चुराया था, सॉरी हैंडाल से चुराया नहीं मार के लिया था भाई, ये कौन सा अलग गेम चल रहा है, GTA थोड़ी चल रहा है जो चुराया था इसको हमने हैंडाल, बोले तो क्रीटोस ने मारा था हैंडाल को जब मिला था ये हॉर्न, इससे ही सारे दरवाजे खुलेंगे जब बॉर के अंदर हम जा सकते हैं उस दीवार के पास, जिसको तोड़ने के बाद एसगार्ड में एंटर हो जाएंगे हम, और इसको तोड़ने के लिए हमने रैग्नारोक को जिंदा किया है जो युद्ध में हमारी मदद करेगा। ओके तो अरे ये क्या, ओके एट्रेस आ गया है, सभी को अलग अलग टेंट दिए लेकिन इसको फादर के बिगड़ने नहीं आ रही है। ओके आ जा छोटे,
ओके अपने पिताजी के पास ही सोए गए। कोई नहीं कोई नहीं। ओके मुझे लगता है फिर से ये सपना देखने वाला है। जब भी ये सोता है ये सपना ही देखता है और सपने में इसकी वाइफ आती है। हर बार मैंने देखा है। क्या अब सपना देखेगा पक्का? ये मेरे हिसाब से 99% नहीं, शायद उठ गया है। नो 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 नो, सपना है मुझे पता था। एक सेकंड में भाई नींद आ जाती है इसको और सपने देखने लगता है ये। और ये वापस उसी एरिया में आ चुका है, लोकेशन पे, जहाँ मुझे पता था इसने पिछली बार भी जब शुरुआत में जब थॉर से फाइट होने वाली थी तब भी ये यहीं था। और हर सपने में ये अपनी वाइफ से मिलने आता है। ये देखो ये रही इसकी वाइफ। ओके ये सपना तब का शायद सोच रहा है जब इसकी वाइफ की डेथ नहीं हुई थी। आपने देखा होगा गॉड ऑफ वॉर 4 में भी इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। वो जो शुरुआत में हमने पेड़ काट के शुरुआत हुई थी, शायद ये वही पेड़ है। हाँ भाई वही पेड़ है जिसके ऊपर इसके हाथ के निशान थे और ये इस पे हाथ के निशान लगाने वाली है। ये देखो येलो भाई लाइटनिंग वाले कलर से ये लकड़ी चूज कर रही है जिससे इसको जलाया जाए। क्रेटोस कह रहा था कि भाई तुम्हें मैं जलाऊंगा नहीं, मैं सोच रहा था तुम्हें मरने के बाद अपने पास रखूंगा। इस और इसकी वाइफ कह रही कि भाई मुझे अपने पास रखोगे क्या, मेरी बॉडी सड़ेगी गलेगी मिट्टी में दबेगी, इससे अच्छा मुझे लकड़ियों के बीच जला दूं। ये तो भाई हिंदुस्तानियों का रूल हो गया, कोई इंसान मर जाता तो उसे दबाया नहीं जलाया जाता है। ओके काफी देर बात होने के बाद फाइनली शायद ये जागने वाला है क्योंकि इसकी लव स्टोरी यही खत्म हो चुकी थी। क्या साउंड बैकग्राउंड म्यूजिक सुनो भाई, क्या खतरनाक वाला है भाई, बंदा भी तो एकदम धांसू है ये। ओके वापस सपने से जाग चुका है क्रेटोस और जंग का ऐलान होने वाला है। जंग का टाइम हो चुका है। एट्रेस को उठाएगा ये, एट्रेस भी उठे जाएगा खुद ही। क्या लगता है क्या होगा वॉर के अंदर, किसकी जीत होगी? ये तो आपको पता ही है हीरो ही जीतता है, लेकिन कैसे जीतेगा, कितनी भाई नुकसान, भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या एटीएस की चोट वोट लग के एटीएस की डेथ होगी, या क्रेटोस या थोर में से कौन जिंदा रहेगा, या क्रेटोस थोर को मार देगा, क्या लगता है तुम्हें? और अभी तक पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन भी दबा लो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारी हर न्यू गेम प्ले की वीडियो अब तक पहले पहुँचे, ये आप सब जानते हो, लेकिन मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। और सारी की सारी चीज़ें फ्री होती हैं तो जल्दी से लाइक का बटन दबा लो इस पे अंगूठे वाले को, और जो नीचे साइड में रेड कलर का आ रहा है ना उस पे घूंसा मारो या लात, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और भाई क्या गुस्से वाला फेस है, क्या साउंड आ रहा है भाई, मेरे को ना ऐसा धक धक हो रहा है भाई के भाई क्या होगा युद्ध में, क्या होगा? देख रहे हो बंदे की नाक पे गुस्सा। ब्रोक का बदला लेना है इसको, अपने भाई भाइयों का बदला लेना, सब का बदला लेना जो जो ओडिन की वजह से डेथ हुई है उनकी। ओके ठीक है तो भाई तैयार सब? ओके सब ने कह दिया भाई, क्रेटोस ने कह दिया यस हम तैयार हैं, चलो तो भाई टेंपल के अंदर चलते हैं। ओके तो वक्त आ चुका है टेंपल के अंदर जाके हॉर्न को बजाने का और उसके बाद एस्गार्ड का रास्ता खोलने का, एस्गार्ड के जाने का उधर एरिए का रास्ता खोलने का, उसके बाद दीवार को तोड़ के एस्गार्ड के अंदर एंटर करने का। देखते हैं क्या होगा, मोमेंट तो खतरनाक होने वाला है, मेरे को पक्का यकीन है। सर वो ये लीडर बन चुका है तो इसको सब सर बुला रहे हैं, जर्नल बुला रहे हैं। कोई भी क्रेटोस नहीं कह रहा है।
कोई भी भाई दोस्त बंधु नहीं कह रहा है। ट्रेस टेम्पल ओके, तो वक्त आ चुका है हॉर्न को बजाने का और सारे के सारे दरवाजे खोलने का जिससे हमें युद्ध के अंदर एंटर हो जाएं। बोले तो उर्डीन के इलाके तक पहुंच सके। To escape my past, to start a new life. Okay. I can hide no longer. अब थोड़ी सी स्पीच देगा क्रिटोस, जो सभी का हौसला बढ़े और युद्ध में जाने से ना डरे। क्या बात है? We have suffered enough. Prophecy did not lead us here. Okay. Nor will it win this battle. युद्ध जीता नहीं जाता, युद्ध तब जीता जाता है जब तुम अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। वही असली युद्ध होता है भाई। ऐसे ही भाषण दे रहा क्रिटोस। अब फ्रेया कुछ कहेगी? ओडिन has taken so much from us already. ओडिन ने ऑलरेडी तैयारी कर चुका है युद्ध के लिए। उसने पावरफुल योद्धा बुलाए हैं, उसने अपने योद्धा लगा दिए होंगे, बहुत सारी चीजें। दिस एंड्स टुडे। ओके, तो बातें हो चुकी है। अब सीधा आ चुका हॉर्न का टाइम, देखते हैं क्या बात है। ओ भाई साहब, क्या खतरनाक साउंड है। और एक दरवाजा खुल गया, दूसरा खुल गया, तीसरा भी खुल गया, चौथा खुल गया और एक और पांचवा, पांच ही थे ना, छठा भी खुल गया। सात में सात दरवाजे और कोई सा आठ। ओ भाई, आठ दरवाजे खुल चुके हैं और हॉर्न गायब हो चुका। ओके, तो कौन से दरवाजे में जाना है मेरे को पता है। पीछा वाला जो दरवाजा ना, इसी के अंदर जाना और युद्ध के लिए तैयार। तो चलो, वन टू थ्री लेट्स गो, भागो, वार शुरू हो चुकी है। ओके, फाइनली वॉल के पास आ चुके हैं। तो आपने देखा होगा एट्रस जब ओडिन के इलाके में गया था, इसी बॉल के ऊपर चढ़ के गया था क्लाइम करके जिसको। ओके, तो भाई साहब देख सकते हो एस्गार्ड के अंदर भाई योद्धा जो इस दीवार को तोड़ने के लिए, नहीं दीवार को प्रोटेक्शन देने के लिए बुलाए गए। देख सकते हो ये भाई, और भाई जो देख रहे हो मार रहे हैं। ओडिन के जो बंदे हैं वो तो दीवार की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और जो हमारे बंदे हैं वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मशीन जो है उनको मार रही है भाई। टेक्नोलॉजी भी कैडी है। ओके भाई, केड़ा मामला। और थोर का भाई बिजली, ये तो भाई भारी पड़ रहा भाई, हमारे बंदे पिट रहे हैं। तो शुरुआत इतनी अच्छी नहीं है मिमिर कह रहा, लेकिन हम करेंगे। ओके, तो इन्हें अलग अलग बट जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और ये बटेंगे भी अलग अलग, क्योंकि एट्रेस और थॉर सॉरी क्रिटोस एक साथ होंगे और ये अलग होंगे। ओके, तो इसकी सॉर्ड आ चुकी है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। अब देखना तुम क्या खतरनाक वाला तहलका मचाता है। फ्रे का भाई, we got work to do. ओके, गया ये भी गया, वो ये भी गए, और ये बच्ची भी जा। ओके, ये दोनों बंदे बची, ये दोनों इधर जा रहे हैं। क्रिटोस अलग जा रहा है, ये फ्रे और क्रिटोस अलग जा रहे हैं, और जो एट्रेस और वो बंदा गया था वो गए हैं भाई सिंदरी के पास, सिंदरी को साथ लेने, क्योंकि सिंदरी ही एक बंदा है जिसको पता है कि जो वॉल है उसका मेन वीक पॉइंट कहाँ है, उस पर वो हिट करेगा। उसके पास पावरफुल जो भी वेपन है उससे, उसके बाद एट्रेस अपने तीरों से उस वॉल को तोड़ पाएगा। क्रिटोस जो है भाई सभी बंदों को बचा रहा है, ओके, नॉर्मल बंदों को बचा रहा है, और जो भाई जैसे गार्डन्स हैं नॉर्मल जो युद्ध के सोल्जर्स नहीं है उनको नहीं मार रहा है, और जो सोल्जर्स हैं ओडिन के इलाके के उन्हें मार रहा है। ओके, ये भाई देख रहे हो रैम, जब से अपनी बीवी से मिला बीवी ने कहा कि तुम्हें दिमाग से नहीं दिल से सोचना चाहिए, तब से भाई ये दिल से भी सोचने लगा है। बोले तो दोस्तों को नहीं मारता है। Okay. क्या भाई, क्या सीन है भाई, ये देखो
भाई वॉल्फ वॉल्फ भी आ चुके हैं बड़े वाले जो हमारी मदद करने के लिए हमने क्रीटोस ने आपने देखा होगा क्रीटोस ने उनकी सहायता की थी मदद की थी जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि भाई जब भी मौका मिले हम आपकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे उसी वजह से इसको भी इसकी सहायता मिल रही है खतरनाक तरीके से वो खेत दो टुकड़ों में बांट दिया भाई इसको तो फ्रेयर क्रीटोस की जोड़ी भाई पहले से ही तुम्हें पता खतरनाक वाली है क्योंकि भाई ये उड़ उड़ के मारने में एक्सपर्ट है ये भाई घुमा घुमा के मारने में एक्सपर्ट है और ये क्या अनोखी चीज़ है भाई देखने में डायनासोर भाई देख रहे क्या खतरनाक वाला डायनासोर लग रहा है ये हो क्या रहा है बिजली बिजली और भाई खतरनाक वाला सीन है भाई ये तो भाई क्या सीन है के सारे नॉर्मल बंदे भाई सेना बहुत ही ज्यादा तकड़ी है और ये दोबारा से रिस्पॉन हो जाते हैं इसलिए फ्रेया कह रही है कि मुझे इनको रोकने के लिए कहीं किसी इलाके कोई इलाका है इसका जिसके पास जाने के बाद इसको रिस्पॉन को बंद करना होगा इसको ओके तो देखते हैं फ्रेया जाती है उसके पास बंद कर पाती नहीं कर पाती नहीं तो ये मरेंगे फिर रिस्पॉन हो जाएंगे मरेंगे फिर रिस्पॉन हो जाएंगे इसको रोकने के लिए फ्रेया को जाना ही पड़ेगा ये गया भाई क्या गंदा वाला बेटा और पता नहीं एड्रेस और भाई उनका काम चल रहा है नहीं चल रहा भाई पहुंचे या नहीं पहुंचे सिंदरी के पास उनकी सिंदरी की मदद लेने के लिए और यहाँ तो बिल्कुल ही रेड रेड हो पड़ा है ओके भाई सब वॉर चालू हो चुकी है और भाई देख सकते हो भाई चारों तरफ युद्ध का युद्ध हो रहा है बोले तो वॉर चल रही है चारों तरफ हर योद्धा अपने आप को बचा रहा है अपने जगह को बचाने के लिए लड़ रहा है जैसे कि क्रीटोस के योद्धा क्रीटोस की ओर से लड़ रहे हैं ओडिन के योद्धा ओडिन की ओर से लग रहे हैं लेकिन क्रीटोस के योद्धा थोड़े से कमजोर पड़ रहे हैं ओडिन के काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं जो सिर्फ क्रीटोस फ्रेया और तुम्हारे थोर सॉरी एट्रियस इनके हाथों से ही मर सकते हैं जो काफी ज्यादा छोटे मोटे तो भाई मार सकते हैं लेकिन ये देख सकते हो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स किंगकॉन्ग टाइप के इनको मारना ना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है इसलिए फिर भी भाई खतरनाक वाला मोमेंट है देख सकते हो भाई एक नहीं दो नहीं तीन तीन नहीं चार चार बंदे एक साथ क्रीटोस पे अटैक कर रहे हैं इनको मारना भाई इतना आसान नहीं है ये बड़े मॉन्स्टर्स हैं भाई मेरे हिसाब से और भी सेना भी अपनी साथ देनी चाहिए थी लेकिन सेना भी अपना काम कर रही है थोड़ी कम सेना है हमारे पास लेकिन जब हमारे पास हमारा रैग्नारोक आ जाएगा जिंदा होके जिंदा तो हो गया लेकिन वो आएगा वापस हमें मारने नहीं हमें अब जिताने के लिए क्योंकि भाई रैग्नारोक तो हमारी हो रही है ना हमारे टीम में रैग्नारोक तो हमें बचाएगा और भाई ओडिन के पास बोल तो एस्कॉर्ट में लेके जाएगा ये मारा भाई इसको तो भाई पिछली बार भी ऐसे ही मारा था हमने बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला लेकिन इनको भाई पता नहीं है कि क्रीटोस क्या चीज़ है क्योंकि अपग्रेड बहुत सारे के सारे वेपन तो अपग्रेड हो ही चुके हैं हमारे ऑलरेडी और देखो तो ये क्या खतरनाक वाला मारता भाई ये क्या खतरनाक वाला लेकिन इनको पता नहीं है कि युद्ध कौन जीतेगा युद्ध में जीत तो हमारी ही होनी है कोशिश यही रहेगी लेकिन थोर ओडिन दो इतने ज़्यादा खतरनाक बंदे हैं थोर के पास बिजली की पावर है ओडिन के पास टेलीपोर्ट होने की पावर बोले तो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है क्रो के माध्यम से ओके तो भाई काफ़ी ज़्यादा हार्ड मोमेंट होने वाला है मेरे को लगता है ये कार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वॉर 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 बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और खतरनाक है मेरे उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक कहते हैं ना उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक ओके ये देख सकते हो बंदे हमारे बंदे इनसे लड़ रहे थे लेकिन इन्होंने छोड़ने वाले बंदों को पेल दिया हमारे इसलिए तो कहते हैं भाई छोटे भी नॉर्मल काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं ये सिर्फ काबू किसके में आते हैं बोले तो क्रीटोस एट्रियस फ्रेया और उसके भाई जिसके पास सुपर पावर्स ज़्यादा उनके काबू आ सकते भाई कितना गहरा गांडी भाई थोर अपनी टुकड़ी से भाई को बुला रहा है टेलीपोर्ट करा रहा है यहाँ हर बार ये दोबारा से टेलीपोर्ट रिवाइव होके आ जाते हैं जब रिवाइव हो जाते हैं ना तो रिस्पॉन हो जाते हैं मर जाते हैं फिर से रिस्पॉन इसके लिए फ्रेया कह रही थी मुझे आगे जाके इलाके में कुछ चीज़ें जो कम करनी और ये क्या है भाई साहब ये मॉन्स्टर तुम्हें आज तुम्हें सारे के सारे जो भी है इसमें मॉन्स्टर्स हैं ना सारी देखने को मिलेंगे और ये रहा इंटरेस्ट
शायद अभी इनको सिंदूरी मिलानी है और काफी ज्यादा खतरनाक सीन हो चुका है देख सकते हो। और भाई हमारा अभी रैग्नारोक जिंदा ही नहीं हुआ, रैग्नारोक किधर है? माय सिस्टर्स एंड आई मस्ट सेपरेट। ओके तो ओके ये भी गई युद्ध के लिए और ये भी जाने वाला है, क्रीटोस और एटीएस दोनों मिलकर आएंगे जो युद्ध को प्रारंभ रखेंगे। ये भी गया बंदा। ओके तो एफ गार्ड में घुसने के लिए हमें वॉल तोड़नी होगी क्योंकि ये तो भाई हैंडल की तरह घोड़े पे बैठ के आया है बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन इसको पता नहीं है जो हम हैंडल को मार सकते तो ये एक साथ पावर जा रही है। गया ज्यादा हार्ड नहीं है भाई, ये गया इसका भाई मेरा सब। ओके उसके बाद इसके मालिक को मारने की बारी, ये थोड़ा इसका भाई गर्दन सी थी, गर्दन तोड़ने के बाद ये बंदे और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि क्रीटोस क्या चीज है और एट्रेस क्या चीज है। एट्रेस की भाई दो चीजें मुझे बहुत ज्यादा बेस्ट लगती हैं, एक तो वॉल्स को एक बियर, जब ये भालू बन जाता है ना भाई एक एक पंजे में खैर नहीं बोले तो सबको ऐसा गंदा वाला पीटता ना एक पंजे में सबको उड़ा देता है। तो भाई एक्स की हमारी हेल्थ मैंने ऑलरेडी फुल करा दी थी लेकिन फिर भी इतना डैमेज खतरनाक दे रही है, लेकिन इतना भी नहीं, मैंने सोचा एक बार में छोटे वालों को तो उड़ा ही देगी। लेकिन ये क्या ड्रैगन्स ड्रैगन्स भाई ये क्या है भाई, ये अलग ही भाई सीन है इनका, तो देख सकते हो भाई क्या खतरनाक है क्रीटोस भाई, क्या संभाले ओडिन के पास काफी ज्यादा योद्धा भाई, काफी ज्यादा तगड़े हैं। अरे रे रे गिरा दिया और भाई ये ओ भाई साहब क्या दबाया बॉल्स ने हमारे ने, ये देखो भाई ये देखो टेलीपोर्ट हो गए भाई, यही तो कहते हैं पावर भाई, जिसकी मदद करते हैं उसके बाद वो तुम्हारी मदद करता है, यही तो फायदा है। हमने जब इन बॉल्स की मदद की थी जब चांद ग्रहण लग रहा था इसके बाद इन्होंने कहा था इसको कुछ वो दिया था पावर टाइप, जो भी हमें जरूरत होगी हमारी तुम बुला लेना। तो हमारे पास ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, उसके पास काफ़ी ज़्यादा योद्धा हैं लेकिन हमारे पास कम योद्धा हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल योद्धा हैं। ओके ये सीन खतरनाक है भाई, क्या बात है, मैंने सोचा नहीं था इतना तगड़ा सीन हो जाएगा, लेकिन पहली बार मैंने किसी गेम के अंदर इतना खतरनाक सीन और इतना पावरफुल साउंड के साथ पावरफुल चीज देखी। मुझे पता है गॉड ऑफ वार पहले से काफी ज्यादा खतरनाक रहा है लेकिन जितना आगे बढ़ते जा रहा है उतना ही ज्यादा खतरनाक युद्ध होते जा रहे हैं। अभी मैंने कंप्लीट नहीं की है लेकिन कंप्लीट कर लूंगा भाई गॉड ऑफ वार 4 भी, क्योंकि गॉड ऑफ वार 4 मैंने कब शुरुआत की थी उसकी 15-16 एपिसोड आए थे उसके बाद क्रीटोस लाइफ बोले तो अपना रैग्नारोक आ गया था इसलिए मैंने कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके बाद हम गॉड ऑफ वार 4 खेलेंगे लेकिन वो थोड़ा अजीब होगा लेकिन खेलेंगे जरूर क्योंकि मुझे उसे भी कंप्लीट करना है। स्टोरी तो मुझे पता है क्योंकि मैंने भाई पढ़ ली थी उसकी स्टोरी सारी की सारी, लेकिन खेलने का जो मजा है वो भाई अलग ही है। अगर तुम किसी चीज़ को भाई उसकी स्टोरी गॉड ऑफ वार रैग्नारोक की सुन लो किसी से तो आप कहोगे भाई अच्छा, उसके बाद आपको लगेगा मुझे खेलना चाहिए। ओके रैग्नारोक आ चुका है, ओके फाइनली रैग्नारोक आ चुका और हमें अब इस मशीन की जरूरत नहीं है, अब इसी मशीन की जरूरत नहीं है उसके ये लेजर वाली मशीन जो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको यूज कर रहे थे। सिंदूरी भी आ चुका है, ओके तो इसका भाई ब्लॉक तो मर ही चुका है लेकिन ये मशीन को तोड़ने वाला है क्योंकि अब हमारे पास रैग्नारोक है तो मशीन की जरूरत क्या है ये बात तोड़ने वाला ये। अरे नहीं 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 भाई आम आदमी मर रहे हैं भाई, क्रीटोस ये बिल्कुल नहीं चाहता कि भाई आम जनता मरे और भाई एट्रेस भी नहीं चाहता। देख तुम मैंने कहा था ना एट्रेस कह रहा है कि मुझे ये नहीं चाहिए युद्ध चाहिए, लेकिन ये कोई सोल्जर्स नहीं है ये आम जनता है जिसको मैं मारना नहीं चाहता, इनकी क्या कसूर है जो ये मर रहे हैं। ओडिन ने इसलिए इनको इस जगह मतलब कि इस जगह पे जगह दी है रहने के लिए ताकि हम कमजोर हो सकें इनको ना मार के रुक सकें, बोले तो एक्स्ट्रा में भाई ओके लेकिन रैग्नारोक को भाई बताना होगा रोकना होगा कि ये आम जनता है इनके ऊपर अटैक करना बंद करें। ओके आर दोस हु आर विलिंग टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग
एटर्स कह रहा मैं ऐसी वॉर नहीं चाहता जिसके अंदर आम जनता मरे, बोले तो जिनका कोई कसूर नहीं है वो निर्दोष मरे। ओके ये बात सुन, लिसन क्लोजली। ओके यू फील देयर पेन बिकॉज़ दैट इज हु यू आर एंड यू मस्ट नो। ओके तो इसने सिग्नल भेज दिया, सारे के सारे बंदे हमारे पास आने वाले हैं, एट्रेस वेटर फ्रे अवेयर सब। ओके तो क्रीटोस कह रहा मैं गलत था बेटे, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें दिमाग से सोचना चाहिए, दिल से भी सोचना चाहिए। ओके इसको भी पता चल गया क्योंकि इसकी वाइफ ने अभी सपना जो देखा था पिछले कुछ मिनटों बाद पहले, आपको पता होगा, तो उसके अंदर ही आपने देखा होगा कि भाई क्रीटोस से उसकी वाइफ ने कहा था तुम दिमाग से सोचते हो, कभी दिल से भी सोच के देखा करो। तो उसी बात को ये अपने बच्चे से कह रहा है एड्रेस से कि तुम्हें भी ओके फाइनली हमारे युद्ध आ चुके हैं सिग्नल भेजने के लिए और इनको भी। ओके भाई साहब इसके अंदर भी काफी ज्यादा पावर है, क्योंकि फ्रेया का भाई कह रहा है अब तो हमारे लिए आसान हो जाएगा जंग को जीतने क्योंकि रैग्नारोक काफी पहले ही आ चुका है। ओडिन को रोकना होगा। ओके वी विल ब्रीच द वॉल एट रिंथर्स फ्लॉ। With what army? Atreus and I will be enough. That's suicide. It may be, but we will die seeking justice. और जो respawn वाला system था वो बंद करके आ चुके हैं फ्रेया। Can that weapon break over the wall? क्रीटोस कह रहा मैं आम जनता को बचाता हूँ, लेकिन तुम क्रीटोस और सिंद्री मिलके जाओ और रैग्नारोक को खबर करो कि अभी युद्ध बंद करे, बोले तो अभी हमला बंद करे क्योंकि आम जनता मर रही है, आम जनता को मरना नहीं चाहिए। ओके सारे के सारे बंदों को ऑर्डर दे दिया उनके काम के लिए और भाई ये निकलते हैं सब। फ्रे गई है इसका भाई भी छाने वाले, जाओ भाई ये बात कि फ्रेया ने अपना काम कर दिया है। ओके ओडिन को रोकना है अभी, ये क्या भाई? No! Christos! Protect him! I will help those trapped. And meet you at the wall. क्रीटोस कह रहा तुम यहाँ जाओ, तुमको सिंद्री के साथ जाओ, ये संभाल लेगा भाई। क्रीटोस कह रहा है रैग्नारोक को खबर करो कि अभी आम जनता मर रही है, इसको रोका जाए, इसको कम किया जाए। ओके आराम। अरे भाई अरे 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 सिंद्री से कह रहा है केयरफुल होके अकेलो, लेकिन सिंद्री कह रहा तुम अपना युद्ध पे ध्यान लगाओ, मेरी चिंता न करो, मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ, यहाँ बचने के लिए नहीं। ओके तो भाई काफी ज्यादा खतरनाक वाला सीन हो चुका है, इसे कहते हैं अमेजिंग। ओके अरे रे रे सिंद्री सिंद्री से माफी मांग रहा, लेकिन ये कह रहा ये बातें छोड़ो और युद्ध पे फोकस करो, युद्ध करो बोल तो वॉर पे फोकस करो। ओके ये मोमेंट खतरनाक है और थोड़ी बहुत देर में मुझे लगता है थोर भी आने वाला है, जिसके बाद क्रीटोस वर्सेस थोर होने वाला है। क्या लगता है, पहले तो हमें बॉल ही तोड़नी होगी एस्कार्ड की, जिसके वजह से हम एस्कार्ड के अंदर एंटर बोले तो एंटर कर सकते हैं। उस बॉल को तोड़ने के लिए सिंद्री हमें चाहिए, सिंद्री का फ्यूल वेपन है और सिंद्री को पता है इस बॉल की वीक पॉइंट कहाँ है, जिसके बाद हम बॉल को तोड़ पाएगा बोले तो एड्रेस। क्रीटोस ने भी एट्रेस को बहुत ज़्यादा बड़ा वाला काम दे दिया है, क्योंकि एट्रेस के पास फ्रेया के दी हुई काले जादू की पावर है और क्रीटोस गया है आम जनता को बचाने। अरे ये क्या है, एक ही बार में देख रहे हो, एक ही बार में ये क्या था भाई, थोर की बिजली? ओके 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 नहीं 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 नहीं, ये पत्थर के नीचे इसकी टांग दब चुकी और सिंदरी के ऊपर। अरे भाई नहीं 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 नहीं, रुको जरा, इसकी भैंस की टांग, ये अब है ना, अब देखो कैसे मारता है इनकी, ऐसी की तैसी वियर बन गया है भाई। ओके अब देखो तुम, बहुत ही ज्यादा तकड़ी वाली पावर आ जाती है वियर बनने के बाद, एक दो बच्चे में भाई बंदा का तो पावर से पावरफुल। ओके ये देखो ये बात भाई,
से कहते पावर ऑफ एड्रेस। भाई एड्रेस बच्चा है, लेकिन बच्चे को बच्चा नहीं समझना चाहिए क्योंकि उसके पास सुपर पावर है। तो क्रीटोस का अच्छा गोल्ड ओवर फोर में देखा होगा, बड़ा छोटा सा क्यूट सा था लेकिन अब बड़ा हो चुका है, बोले तो 15-16 साल का, लेकिन उसको अभी भी योद्धा है वो योद्धा। गया भाई, बन गया, सारे के सारे बंदूकों कीमा बना दिया भाई गुस्से में आके। ओके चलो भाई, हमें सिर्फ जाना है वॉल के पास, वॉल के पास जाने के बाद हमें वॉल को तोड़ना है। ओके फाइनली वॉल के पास आ चुके हैं हम। ओके सिंदरी के हाथ दिए, मुझे पता था यही होगा, सिंदरी हाथ नहीं देगा इसको। और फाइनली एस्गार्ड की, ओ भाई थोर की बेटी आ गई। ओके ये गया, You're a killer just like your father, and you're here to kill us all. तोर की बेटी कहती मेरे को नहीं पसंद तुम, मेरे पिता को नहीं पसंद, बोले तो बाप को नहीं पसंद, माँ को नहीं पसंद, मेरे ग्रैंडफादर। ओके सिंदरी को रोक दिया इसने। ओके 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 एट्रेस कह रहा था ये मेरी दोस्त है, इसको मत मारो। और भाई ये कह रही हम तुम्हारे कोई दोस्त वोस्त नहीं है, तुम हमारे दुश्मन हो क्योंकि तुमने हम पे हमला किया। ओके ये इसको समझाएगा। Why wouldn't he be? What are you talking about? Odin is willing to sacrifice some Midgardians. It is समझा रहा कि हम गलत नहीं हैं, गलत तुम्हारे grandfather Odin ने जो तुम्हें और तुम्हें गलत राह पे ले जा रहे हैं, अपने आम जनता को मारने के लिए वहाँ खड़ा कर दिया है वो। Because he's right. ओके इसकी माँ चुकी है। It's who Odin. जो कह रही है सही है। ओके it is सही है। ओके ये भी जानती है Odin कितना बुरा है। भाई आज भाई खतरनाक सीन हो गया। कमेंट में जरूर बताना है भाई आज का एपिसोड कैसा लग रहा है तुम्हें, और कमेंट जरूर करना क्योंकि हर बंदे का कमेंट में पढ़ता हूँ। ओके मॉम व्हाट आर यू सेइंग, आई नेवर डाउटेड दैट यू वुड मेक द फाइनेस्ट। ओके माँ ने इसको समझाया कि ये सही है, ये युद्ध हम भी नहीं चाहते थे, ना कोई चाहता था, लेकिन तुम्हारे एक Odin ने पावर्स के लिए ये आम जनता को मरवाना और भाई XYZ बुरे काम के लिए ये युद्ध प्रारंभ किया है। Odin का अंत जरूरी है। ओके इसने अपनी बेटी को समझाया है, थोर की वाइफ है ये। ओके भाई साहब, और भाई ये लड़की कह रही है कि थोर आने वाला है, अब उसका क्या डैड का क्या, बोले थोर आने वाला है अब क्या होगा, थोर तो बैंड हो जा देगा इनकी। भाई मुझे भी पता है भाई बैंड हो जा देगा। ओके मुझे लड़की कह रही है डैड नहीं मानेंगे, डैड ने और अगर हार, बोले तो डैड हार नहीं मानेंगे और युद्ध को प्रारंभ रखने के लिए वो सबकी बैंड बजा देंगे, बोले तो मैं अपनी भाषा में बताऊं तो सबको मार डालेंगे। ओके प्यार से लव यू टू। ओके सिंदरी कह रहा फैमिली ड्रामा खत्म हुआ हो तो चलो काम की बात करते हैं। ओके ये वीक पॉइंट पे इसने मारा हथियार दोबारा से, और ये बात चटका दी भाई। अब सिंदरी ने काम कर दिया अपना, अब बारी है एड्रेस की। एड्रेस को बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से अपने भाई धनुष बाण से वाण छोड़ने होंगे और तीर मार मार के इसको पूरा का पूरा गिराना होगा। ओके 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 नहीं 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 नहीं, मेरे को होल्ड करके रखना है। ये बात गया, बॉल गई, बॉल 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 गई। फाइनली अपने एस्गार्ड के अंदर जाने के लिए वॉल को ओपन कर दिया है, तो
मुझे लगता है आज का एपिसोड यहीं एंड करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लंबा एपिसोड हो चुका है। अगले वाले एपिसोड में थॉर से फाइट होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, पसंद आया तो लाइक का बटन दबा लो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।